हेलो स्टूडेंट्स मैं विशाल गुप्ता आपका टीचर कैसे हो आप सब स्टूडेंट्स इस वीडियो से मैं आपको बीकॉम का जो सब्जेक्ट है ऑडिटिंग एंड सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का वो स्टार्ट कराने जा रहा हूँ रिवाइज एज पर कंपनीज एक्ट दो हज़ार तेरह तो गाइज ये जो बुक है ऑडिटिंग की या सब्जेक्ट है ऑडिटिंग और सेक्रेटेरियल प्रैक्टिस का वो दो पार्ट्स में यूनिट वन में ऑडिटिंग है ऑडिट है और यूनिट टू में सेक्रेटरियल प्रैक्टिस तो पहले हम स्टार्ट करेंगे यूनिट वन ऑडिटिंग का उसका पहला चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूं चैप्टर नंबर वन इंट्रोडक्शन तो इंट्रोडक्शन में सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे ऑडिटिंग का मीनिंग क्या है सो ऑडिटिंग इज द वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल पोजिशन वेरीफाई करना है फाइनेंशियल पोजिशन को एज इज डिस्कलोज बाय द बैलेंस शीट एंड पी एंड एल इट इज एन एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स टू एसरटेन वेदर द बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट गिव्स अ ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजिशन एंड प्रोफिट एंड लॉस ऑफ द बिजनेस मतलब वेरीफाई करना है और एग्जामिन करना है बैलेंस शीट और पी एंड एल को जिससे ये पता चल सके कि जो फाइनेंशियल पोजिशन है वो ट्रू एंड फेयर पोजिशन बता पा रही है या नहीं बता पा रही प्रॉफिट एकट आया है या नहीं आया है फॉर दिस परपज ऑल द ट्रांजेक्शन एंड द मैनर इन विच डेड मस्ट भी एग्जामिड और वो एग्जामिन किया जाना चाहिए करना होता है ऑडिटिंग में अब ओरिजिन कहां से हुआ था ऑडिटिंग का ऑडिटिंग का द ऑडिटिंग हैज इट्स ओरिजिन इन द नेसेटी इन द डेवलपमेंट ऑफ सम सिस्टम टू पुट अ चेक ऑन द पर्सन हूज ड्यूटीज वर टू रिकॉर्ड रिसीड्स एंड डिसबर्समेंट ऑफ मनी ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर ऑडिटिंग का जो ओरिजन था वो कहाँ से हुआ क्योंकि ये जरूरत फील की गई उन लोगों के काम को चेक करने के लिए उन एम्प्लॉयज़ के काम को चेक करने के लिए जिनकी ड्यूटी थी रिकॉर्ड करना कि पैसा कहाँ से आया है और किस जगह उनकी डिसबर्समेंट मतलब खर्चा उन्होंने किया है ऑन बिहाफ ऑफ ऑनर्स तो उनके काम के चेक करने को ही ऑडिटिंग बोलते हैं ओरिजिन भी यहीं से हुआ था ठीक है जी और उसके बाद अगर हम बात करें द ऑडिट इन इट्स प्रेजेंट शेप इज द रिजल्ट ऑफ लार्ज स्केल प्रोडक्शन इन कॉन्सिक्वेंस ऑफ इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन ड्यूरिंग एटीन सेंचुरी और एटीन सेंचुरी में जो लार्ज स्केल पर इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन हुई थी जिससे बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होनी शुरू हुई थी उससे ये शुरू हुआ था और इसकी डिवेलपमेंट हुई थी बैंकिंग फैसिलिटीज़ की कम्युनिकेशन की ट्रांसपोर्ट मीन्स की द कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट हैेकन बर्थ और कंसेप्ट ऑफ कॉरपोरेट मैनेजमेंट स्टार्ट हुआ उसके बाद गाइज आगे है द मैनेजमेंट एंड द ऑनर्स आर सेपरेटेड मैनेजमेंट जो ऑनर है वो सेपरेटेड है ठीक है इट इज नेसेसरी टू नो वेदर द इन्वेस्टमेंट ऑफ ऑनर इज सेफ और नॉट और ये पता करना ये जरूरी हो गया था कि ऑनर्स की जो इन्वेस्टमेंट है वो सेफ है या नहीं सेफ है दीज डेवेलपमेंट हैड ए डायरेक्ट इम्पैक्ट ऑन द इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग उसकी इवोल्यूशन ऑफ ऑडिटिंग में बहुत डायरेक्ट इम्पैक्ट डाला ऑडिट ऑफ बिजनेस अकाउंट्स बिकम कॉमन ओनली नाइनटीन सेंचुरी और नाइनटीन सेंचुरी के आते आते ये कॉमन हो गया ऑडिट करना द इनॉर्मस इंक्रीज इन द ट्रेड कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मेड यूज ऑफ ऑडिटिंग ऑफ अकाउंट्स अनअवॉयडेबल और जिससे ही इंक्रीज हुआ बहुत ज्यादा ट्रेड कॉमर्स और इंडस्ट्री तो ऑडिटिंग की जरूरत अनअवॉयडेबल हो गई उसको अब कंपल्सरी हो गया ये सबके लिए करना तो अब हम अगर बात करें कि ऑडिटिंग किस तरीके से डिफाइन की जा सकती है वो मैंने कुछ पॉइंट्स में बता रहा हूँ मैं आपको पहला कि इट इज़ अ थॉरो इंटेलिजेंट सिस्टमैटिक एंड क्रिटिकल एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंटिंग डाटा ठीक है मतलब थॉरोली चेक करना है इंटेलिजेंट और सिस्टेमेटिक तरीके से क्रिटिकली एग्जामिन करना है सारे अकाउंटिंग डाटा को उसके बाद द अकाउंट हैव टू बी प्रिपेयर बाय द अकाउंटेंट अकाउंट्स अकाउंटेंट बनाएगा और ऑडिट इंडिपेंडेंट पर्सन जिसके पास वो रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन होगी ऑडिट करने की वही ऑडिट करेगा ठीक है बच्चे चलिए उसके बाद आएगा द एग्जामिनेशन ऑफ द अकाउंट्स मे बी मेड थ्रू आउट द ईयर और ये कब होगा सारा साल भी हो सकता है और पर्टिकुलर पीरियड में भी हो सकता है पीरियोडिकली इट इज डन विद द हेल्प ऑफ रेलिवेंट रिकॉर्ड्स वाउचर्स डॉक्यूमेंट्स इंफॉर्मेशन एंड एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द अथॉरिटीज और उसके बाद फिफ्थ पॉइंट है द ऑडिटर हैज टू जस्टिफाई हिमसेल्फ सेटिफाई ऑडिटर को अपने आप को सेटिस्फाई होना पड़ेगा तभी वो रिपोर्ट बना पाएगा कि क्या किस बारे में रिपोर्ट बना पाएगा कि द प्रॉफिट एंड द लॉस अकाउंट रिवील्स ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द पीरियड द बैलेंस शीट एग्जिबिटेड ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द फाइनेंशियल पोजीशन ऑफ द कंसर्न और सी बुक्स ऑफ अकाउंट हैव बीन मेंटेन्ड एंड अकाउंट हैव बीन प्रिपेयर्ड एज पर द प्रोविजंस ऑफ द लॉ और जितनी भी बुक्स ऑफ अकाउंट्स बनाई गई हैं वो मेंटेन की गई हैं अकॉर्डिंग टू द प्रोविजंस ऑफ लॉ ठीक है जी अब अब हम आगे डिस्कस करेंगे बच्चे ऑडिटिंग इनवॉल्व द फॉलोइंग स्टेप्स ऑडिटिंग में फॉलोइंग स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं पहला अ स्टडी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर दूसरा एनालिसिस एंड रिव्यू ऑफ सिस्टम्स ऑफ अकाउंटिंग एंड इंटरनल कंट्रोल तीसरा टेस्टिंग अरिथमेटिकल एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन एंड इवॉल्यूशन ऑफ एविडेंस इन सपोर्ट ऑफ ट्रांजैक्शन ठीक है जी तो पहला स्टेप क्या आ गया ऑर्गेनाइजेशन एंड इट्स स्ट्रक्चर को स्टडी करना है फिर एनालिसिस करना है रिव्यू करना है सिस्टम और अकाउंटिंग उन्होंने क्या फॉलो किया हुआ है और टेस्टिंग एक्यूरेसी ऑफ रिकॉर्ड्स एंड कलेक्शन एंड इवेल्यूशन ऑफ एविडेंस और प्रूफ को एविडेंस को इकट्ठा करना जो कि उस ट्रांजेक्शन के सपोर्ट में होने चाहिए ठीक है बच्चे चलिए अब फोर्थ है वेरिफिकेशन ऑफ स्टेटमेंट ऑफ अफेयर ऑफ एज डिस्लोज बाई पी एंड बैलेंस शीट एंड पी एंड एल ठीक है जी और उसके बाद फिर ऑडिटर ने लास्ट में क्या बनानी रिपोर्ट बनानी है कि जो ओपिनियन है उसकी क्या है अबाउट द ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ द बुक्स ऑफ अकाउंट ठीक है जी अब हम आगे डिस्कस करेंगे एलिमेंट्स कौन कौन से हैं ऑडिट के ऑडिट का पहला एलिमेंट है बच्चे systematic and independent examination of records statements number 2 conducted in unbiased manner number 3 physical verification of assets evidence in form of vouchers written communication with the clients and outsiders number 4 ऑडिट रिपोर्ट इज प्रपेयर एक्सप्रेसिंग द ओपिनियन और जो रिपोर्ट बनाएंगे वो ऑडिटर अपनी ओपिनियन देगा रिगार्डिंग ट्रूथफुलनेस एंड फेयरनेस ऑफ द फाइनेंशियल स्टेटमेंट एंड इज प्रेजेंटेड टू द क्लाइंट शेयर होल्डर क्लाइंट या शेयर होल्डर के लिए ठीक है बेटा चलो <coughs> अब हम आगे बात करते हैं बुक कीपिंग अकाउंटेंसी ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन द फॉलोइंग स्टेप एक्सप्लेन द डिस्टिंक्शन कि बुक कीपिंग और अकाउंटिंग जिसको हम अकाउंटेंसी बोलते हैं सॉरी ऑडिटिंग एंड इन्वेस्टिगेशन का क्या डिफरेंस है सबसे पहले हम बात करेंगे बुक कीपिंग बुक कीपिंग में क्या आता है बेटा रिकॉर्डिंग एंड बैलेंसिंग मतलब जर्नलाइजिंग पोस्टिंग टू लेजर टोटलिंग ऑफ वेरियस अकाउंट्स टू द लेजर बैलेंसिंग ऑफ लेजर अकाउंट्स तो ये किस में आ गया बुक कीपिंग में उसके बाद अकाउंटेंसी समरी एंड एनालिसिस उसमें क्या आएगा रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर ट्रायल बैलेंस प्रिपेयरिंग ट्रेडिंग एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट उसके बाद प्रिपेयरिंग बैलेंस शीट तो यह किसके पार्ट आते हैं यह अकाउंटिंग के और उसके बाद क्या आएगा ऑडिटिंग का वेरिफिकेशन ऑफ रिकॉर्ड जिसमें आएगा चेकिंग एंड वेरिफिकेशन ऑफ वर्क डन बाय द ऑडिटर फॉर द ईयर और इन्वेस्टिगेशन वो एक अलग चीज़ होती है इट कवर्स सेवरल ईयर्स मे बी टू ईयर थ्री ईयर फाइव ईयर्स टू फाइंड आउट द एवरेज अर्निंग कैपेसिटी फॉर एग्जांपल और फाइनेंशियल पोजीशन इंस्पेक्शन किसी पर्टिकुलर पर्पस के लिए होती है और ऑडिटिंग एक तरह का कंपलसरी सब्जेक्ट है मतलब कि अकाउंट्स का ऑडिट करना एज पर लॉ कंपल्सरी है और इन्वेस्टिगेशन डिपेंड करता है किसी ज़रूरत या किसी सिचुएशन के लिए ठीक है जी तो अब हम एक बार मैं दोबारा आपको ये स्लो मोशन में पेज दिखा देता हूँ आप अपने आराम से इसको नोट्स बना लीजिए ये बहुत सिंपल और इंटरेस्टिंग तरीका है इसको अंडरस्टैंड करने का ठीक है बच्चे हो गया चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट पेज पे इसके वो है डिफरेंस बिटवीन अकाउंटेंसी एंड ऑडिटिंग तो नेचर क्या है सबसे यहां पहले मैंने लिखा अकाउंटेंसी और ये ऑडिटिंग नेचर है बेसिस ऑफ डिफरेंस पहला इट इज कंस्ट्रक्टिव इट इज एनालिटिकल अकाउंटेंसी कंस्ट्रक्टिव है एज इट इज कंसर्ड विद दंपाइलेन ऑफ अकाउंटेंसी इन द फॉर्म फॉर्मेशन अकाउंटिंग इन फॉर्मेशन लाइक पी एंड एल एंड बैलेंस शीट उसके बाद है इट इज एनालिटिकल इन नेचर एंड इज कंसर्ड विद चैकिंग एंड वेरीफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स और स्कोप क्या है रिस्ट्रिक्टिव है इसका और इट ऑडिटिंग का डिटर्म बाई एग्रीमेंट और क्वालिफिकेशन अकाउंटेंसी के लिए कोई फॉर्म इबड क्वालिफिकेशन ही है इसका मतलब यह नहीं है कि कोई क्वालिफिकेशन नहीं मतलब बी कॉम एम कॉम कुछ भी हो सकती है लेकिन ऑडिटिंग के लिए सी ए होना एक क्वालिफाइड सी ए होना कंपल्सरी है ऑब्जेक्ट टू फाइंड आउट द रिजल्ट टू फाइंड आउट द ट्रुथ एंड फेयरनेस उसके बाद कमेंसमेंट इट स्टार्ट विद बुक कीपिंग एंडस और ऑडिटिंग इट स्टार्ट विद अकाउंटेंसी एंड नेक्स्ट पॉइंट है रिपोर्टिंग नॉट रिक्वायर्ड टू सबमिट रिपोर्ट अकाउंटेंसी में कोई रिपोर्ट सबमिट नहीं की जाती पर ऑडिटिंग में रिपोर्ट को सबमिट करना जरूरी है और बेसिस ऑफ रिकमेंडेशन बिकॉज अकाउंटेंट इज एन एम्प्लॉय ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसलिए उसको सैलरी मिलेगी और ऑडिटर को फीस मिलेगी और अपॉइंटमेंट ये एम्प्लॉय होता है और ये इंडिपेंडेंट प्रोफेशनल है ऑडिटर लेवल ऑफ नॉलेज नॉट रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग रिक्वायर्ड टू हैव नॉलेज ऑफ ऑडिटिंग अकाउंटेंट को ऑडिटिंग की नॉलेज होना कंपलसरी नहीं है पर अकाउंटेंट को तो एक ऑडिटर को अकाउंटिंग की नॉलेज होना कंपलसरी है ड्यूरेशन थ्रू आउट द ईयर और आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस अकाउंटिंग तो सारा साल चलती रहती है आपको पता है अकाउंटेंसी और ये जो ऑडिट है वो एक पर्टिकुलर पीरियड के बाद ही पूरा हो जाता है या कई कबार थ्रू आउट द ईयर होता है जब वॉल्यूमस ट्रांजेक्शन हो या ऑर्गेनाइजेशन का साइज बहुत बड़ा हो तो थ्रू आउट द ईयर भी चलता रहता है राइट हो समझ लग गया लास्ट पॉइंट चले अब हम आगे बढ़ते हैं बेटा डिफरेंस बिटवीन ऑडिटिंग एंड मैंने इन्वेस्टमेंट इन्वेस्टमेंट लिख दिया इट्स नॉट इन्वेस्टमेंट इट्स इन्वेस्टिगेशन मैं इसको चेंज कर रहा हूं इन्वेस्टिगेशन है बेटे इन्वेस्टिगेशन ठीक है इन्वेस्टिगेशन कॉमर्स वालों का ध्यान इन्वेस्टमेंट पे ज्यादा रहता है ठीक है इन्वेस्टिगेशन मैं इसको दोबारा लिख देता हूँ इन वेस्टिगेशन राइट हो ऑडिटिंग और इन्वेस्टिगेशन का क्या फर्क है तो इसमें सबसे पहले ऑडिटिंग है टू चेक द ट्रूथफुलनेस एंड एक्यूरेसी ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स एंड रिकॉर्ड्स और इन्वेस्टिगेशन का टू लोकेट एरर फ्रॉड्स मिसअप्रोप्रिएशन एंड फ्यूचर अर्निंग कैपेसिटी और उसके बाद पीरियड ऑफ कवर्ड ऑडिटिंग में यूजली वन ईयर और इन्वेस्टिगेशन में मोर देन वन ईयर स्ट्रेचरी रिक्वायरमेंट इट इज स्टैचरी अंडर कंपनी एक्ट इट इज नॉट स्ट्रैचरी डिपेंडिंग अपॉन सरकमस्टांसेज और इसका फोर्थ पॉइंट क्या है बाई प्रोपराइटर्स और ऑन बिहाफ ऑफ आउटसाइडर्स फिफ्थ है इन्वेस्टिगेशन ऑफ ऑडिटेड अकाउंट तो इन द ऑर्डनरी सेंस ऑफ इन्वेस्टिगेशन अकाउंट्स आर नॉट ऑडिटेड इन देंस इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स इन्वेस्टिगेटेड अकाउंट्स को आपको ऑडिट करने की जरूरत नहीं होती बट जो ऑडिटेड अकाउंट्स है वो फर्दर इन्वेस्टिगेट किए जा सकते हैं एक स्पेशल पर्पज के लिए राइट हो उसके बाद सिक्स इन केस ऑफ ऑडिटिंग द ऑडिटर इज कंसर्न ओनली विद द प्राइमे फेसे एविडेंस मतलब जो एविडेंस उसको प्रस्तुत किया जाएगा प्रूफ प्रूफ के रूप रूप में सपोर्ट के रूप में उसको उस पर विश्वास करना होगा द इन्वेस्टिगेटर लुक्स फॉर सबसिस्टेंस एविडेंस एंड इवन कंक्लूसिव एविडेंस और ऑडिट की ऑडिटर की क्वालिफिकेशन क्या है ऑडिट ऑफ द कंपनीज डन बाय द क्वालिफाइड सीए और इन्वेस्टिगेशन में नॉट बी ने क्वालिफाइड सीए ओके okay, चले अब हम आगे बढ़ते हैं बच्चे ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग की तरफ तो ऑब्जेक्टिव ऑफ ऑडिटिंग क्या है मेन ऑब्जेक्टिव है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स और एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स मेन ऑब्जेक्टिव तो यही है वेरिफिकेशन ऑफ अकाउंट्स एंड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का वेरिफिकेशन ये ऑब्जेक्टिव है ऑडिटिंग का और सब्सिडरी ऑब्जेक्टिव क्या है डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स ठीक है जी और उसके बाद मेन ऑब्जेक्टिव क्या है टू जज द एक्यूरेसी ऑफ द अकाउंट बुक्स ऑफ अकाउंट्स द रिपोर्ट ऑडिटर मस्ट असेस द सिस्टम ऑफ इंटरनल कंट्रोल नंबर दो वेरीफाई द एक्यूरेसी ऑफ पोस्टिंग बैलेंसिंग एटसेट्रा नंबर तीन कंफर्म वैलिडिटी ऑफ ट्रांजेक्शन विद सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट्स और फोर्थ एसरटेन वेदर डिस्टिंक्शन हैज बीन मेड बिटवीन कैपिटल एंड रेवेन्यू आइटम्स और नंबर फिफ्थ कन्फर्म एक्सिस्टेंस ऑफ एक्स एसेट्स एंड लाइबिलिटीज कि वो एक्चुअल में है भी है या नहीं यह सिर्फ नाम की ही लिखी हुई है और लास्ट पॉइंट इसका सिक्स पॉइंट एसेट इन ऑल स्टैचुरी रिक्वायरमेंट ऑफ मेंटेनेंस ऑफ बुक्स क्या वो सारी स्टैचुरी रिक्वायरमेंट्स पूरी की गई है मेंटेनेंस ऑफ बुक्स की ठीक है जी और उसके बाद बचे सब्सिडरी ऑब्जेक्ट क्या है अकाउंटिंग ऑडिट का सबसे पहले इसका सब्सिडरी में आएगा बेटे डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड ठीक है और फ्रॉड में क्या आएगा फ्रॉड क्या होता है एबजेलमेंट और मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश गबन या मिस अप्रोप्रोप्रेशन, मिस मिसएप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स एंड मैनुप्रेशन ऑफ अकाउंट्स। और डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर कैसे होगा उसके लिए सबसे पहले आपको पता है। आपको पता होना चाहिए कि क्लासिफिकेशन ऑफ एरर्स क्या है अब एरर्स कौन सी होती हैं? एरर है प्रिंसिपल की एरर है ओमिशन की एरर है कमीशन की डुप्लीकेशन एंड कंपनसेटिंग ये आप जूनियर क्लासेस में पढ़ चुके हैं इसके लिए कोई मुश्किल नहीं है और प्रिवेंशन के लिए उसने क्या करना है फॉर प्रिवेंशन टू हेल्प इन मेकिंग इंटरनल कंट्रोल सिस्टम to prevent the errors, राइट हो तो ये टॉपिक हमारा यहाँ पे कंप्लीट होता है तो गाइज ये इसके ऑब्जेक्टिव आप इसको जरा अंडरस्टैंड कर लीजिए मेन ऑब्जेक्टिव वेरिफिकेशन ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट आ गया सब्सिडी में डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ फ्रॉड्स, डिटेक्शन एंड प्रिवेंशन ऑफ एरर्स ठीक है बच्चे तो ये ऐसा है कि यहां पर यह तो कंप्लीट हो गया और मैं ये वीडियो भी यही कंक्लूड कर रहा हूं बट ये चैप्टर अभी कंप्लीट नहीं हुआ ये है टू बी कॉन्टिन्यूड इन नेक्स्ट वीडियो ओके जी इसी के साथ ये मैं वीडियो भी कंक्लूड करता हूं आई होप कि आपको अच्छे से समझ आ गया होगा आप इसी तरह मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियोस देखते रहिए और अपना कोर्स कंप्लीट करते रहिए ओके okay जी विशू यू गुड लक